Hello friends, this is Chhavi Bhalothia, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. I am going to deliver a lecture about placenta and its classification on behalf of GuruKPU.com. So let's start. So basically, what is placenta? Placenta hota kya hai? Placenta is basically a connection between the mother and the fetus. So ye isko humne classify bahut type se kiya hua hai. तो एक टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मेटर्नल टिश्यू, या फिर इसे हम हिस्टोलॉजी भी कह देते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस का मतलब तो अपने को क्लियर है ही. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मेटर्नल टिश्यू. दैट मीन्स कि फीटस और मदर का जो टिश्यू है वो आपस में कितने लेयर्स में इन्वॉल्व है या किस तरीके से इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दी गई है. ये नाम से ही अपने को साफ हो जाता है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मेटर्नल टिश्यू, इसे हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं. तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इन पांच टाइप्स में. नंबर वन आता है एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा. इसमें क्या होता है, एपिथीलियल लेयर होती है हमारे मदर की, कोरियल लेयर होती है प्लेसेंटा की. तो दोनों के बीच में जब हमारे प्लेसेंटा बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा. दिस इज़ जो मदर की लेयर है या यूट्रस की जो लेयर हमारे काम में आ रही है वो हमने यहाँ मेंशन करी हुई है. ये यूट्रस की या मदर की लेयर है. मेटर्नल टिश्यू कौन सा है अपना, एपिथीलियल. प्लेसेंटल जो हमारा फीटस का टिश्यू है वो कौन सा है, कोरियल. तो हमारा पूरा नाम बन जाता है एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा. नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा. अब पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं कि ये वाली चीज़ या जो फर्स्ट नेम है वो हमारा मदर के टिश्यू से हमने डिराइव किया है. तो मदर के टिश्यू से जो हमने फर्स्ट नेम को डिराइव किया है, तो सिंडेस्मो का मतलब क्या होता है, एपिथीलियम, एंडोथीलियम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये सब तो हमें पता है. अब ये सिंडेस्मो क्या होता है, सिंडेस्मो इज़ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू. अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बॉन्डिंग या जो मदर और प्लेसेंटा का जो रिलेशन है या जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता जा रहा है हर डिग्री के साथ. तो इसके साथ हर डिग्री के साथ बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एपिथीलियो जो लेयर थी वो कोरोड हो चुकी है मदर की, वो निकल चुकी है. एपिथीलियल नेचर लेयर के नीचे जो क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. तो अब जो कोरियल लेयर है फीटस की वो मदर के कनेक्टिव टिश्यू के साथ बॉन्ड बना रही है या इन्वॉल्व होकर प्लेसेंटा बना रही है. तो हमारी एपिथीलियल लेयर अब निकल चुकी है, इन्वॉल्वमेंट हमारा और स्ट्रॉन्ग या और डेंस हो चुका है हम कह सकते हैं. अब हमारा इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे अपना इन्वॉल्वमेंट या बॉन्डिंग जो है इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. अब ये मदर के जो लेयर्स हुए या टिश्यूज़ हैं ये धीरे धीरे करके इरोड करने स्टार्ट कर देंगे. इससे क्या होगा कि बॉन्डिंग और जो कनेक्टिविटी है मदर और फीटस की वो धीरे धीरे डायरेक्ट होती जाएगी. नेक्स्ट जो हमारी है वो है एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा. अब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी इरोड हो चुका है, नेक्स्ट लेयर हमारी आ गई है एंडोथीलियल. तो एंडोथीलियल जो लेयर है वो मदर की है, कोरियल लेयर किसकी है, प्लेसेंटा की है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो आ गया हेमोकोरियल प्लेसेंटा. हेम वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, हेमोग्लोबिन से ये लिया गया है. हेमोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब ये है कि अब एपिथीलियल, कनेक्टिव, एंडोथीलियल सारी लेयर्स जो हैं वो इरोड हो चुकी हैं. अब बचा है सीधा ब्लड. सीधा ब्लड में जो है आपका फीटस या जो प्लेसेंटा है वो कनेक्शन कर रहा है कोरियल लेयर के साथ. तो फीटस की कोरियल लेयर और मदर का ब्लड दोनों मिलके जब प्लेसेंटा बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेमोकोरियल प्लेसेंटा. तो अब आते हैं पांचवी पे, दैट इज़ हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा. हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ये किसकी है, मदर की, ये है हमारे फीटस की लेयर. तो दोनों की लेयर को मिला के हम नाम दे रहे हैं. तो यहाँ जब हम कह रहे हैं हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा है, दैट मीन्स ये लेयर हमारी किसकी है, मदर की, ये लेयर है हमारी प्लेसेंटा की. तो अभी तक प्लेसेंटा की कोरियल लेयर आ रही थी, हर जगह प्लेसेंटा की कोरियल लेयर थी. अब क्या हो रहा है कि जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है उसकी भी कोरियल लेयर इरोड हो चुकी है, कोरियल कनेक्टिव टिश्यू कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है. तो अब सीधी एंडोथीलियल लेयर जो है मदर के ब्लड के साथ मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा. इसके अलावा जितनी भी हमने लेयर्स या प्लेसेंटा यहाँ पर डिस्कस करी हैं उन सब में ये कॉमन ही पैटर्न है, दैट दिस इज़ मदर एंड दिस इज़ फीटस. ये फीटस की लेयर है, ये मदर की लेयर.
दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रही हैं. सिमिलरली जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट की डेंसिटी है या जो इन्वॉल्वमेंट की डिग्री है वो हमारी बढ़ती जा रही है. पहले पहले क्या है, एपिथीलियल लेयर कोरियल लेयर का हम साथ में बॉन्डिंग करा रहे हैं या दोनों मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है एक तरीके से बहुत ही लाइट या डेंस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतना डेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक तरीके से ये बहुत ही लाइट इन्वॉल्वमेंट है. फिर नेक्स्ट आते हैं हम सिंडेस्मो कोरियल पे, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंट या डिग्री अपनी बढ़ रही है. धीरे धीरे हम जाते जाते हैं तो हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा में क्या होता है कि फीटस की भी कोरियल लेयर इरोड हो जाती है और मदर की तो तीनों ही लेयर इरोड हो चुकी हैं और डायरेक्ट ब्लड के साथ जब बॉन्ड बन के प्लेसेंटा बन रहा है तो उसे हम कह रहे हैं हेमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द गुरु केपीओ चैनल. Thank you and have a nice day.